दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं ड्यूएल का रिवर्स फॉरवर्ड सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से। यहाँ देखें तो आप मेरी स्क्रीन पर इधर पावर सर्किट डायग्राम बना हुआ है और इधर कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। यहाँ मेरे पास प्रैक्टिकली दो कॉन्टैक्टर रखे हुए हैं जिनको मैं प्रॉपर लगा के दिखाऊंगा। एक मैकेनिकली इंटरलॉक है, इसको भी मैं प्रॉपर समझाऊंगा। आप देखेंगे तो यहाँ छोटे मोटे कई सारे कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, तो मेरे चैनल पर इसी तरीके से वीडियोज आते रहते हैं प्रैक्टिकली। अब आप देखेंगे कि ड्यूएल का पावर सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो हमारे जो आर बाई बी तीन फेज हैं, ये सबसे पहले हमारे सर्किट ब्रेकर में गए, मतलब एमसीबी के अंदर, और यहाँ से आउट होकर के हम पहले अपना फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में लेके गए आर बाई बी, और यहाँ से आउट करके हम ओवरलोड रिले में और अपनी मोटर के अंदर। अब जो हमारा दूसरा रिवर्स कॉन्टेक्टर है, आप देखेंगे हमने रेड तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे लगा दिया एज इट इज बाई एंड बी, ऊपर वाले पॉइंट सेम है। नीचे से हमने क्या किया, रेड को उठा करके यहाँ रेड में कनेक्ट कर दिया, बाई को उठा करके हमने यहाँ बी में कनेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ मैं नीचे फेज चेंज कर दिए हैं। जब भी हमें मोटर को उल्टा घुमाना होगा, मतलब रिवर्स में घुमाना होगा, तब हम ये कॉन्टैक्टर चालू करेंगे अपने कंट्रोलिंग की हेल्प से। ये दोस्तों आप देखेंगे मेरे ड्यूएल स्टार्टर का रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट डायग्राम है कंट्रोलिंग। यहाँ एमसीबी का मैंने ऊपर सिंबल दिखाया है, एमसीबी से सप्लाई आउट होकर मेरे ओवरलोड रिले में आती है। ओवरलोड रिले आप देखेंगे तो ओवरलोड रिले के अंदर दो पॉइंट होते हैं, 95 एंड 96, ये एनसी पॉइंट है। आप किसी भी सप्लाई, मतलब किसी भी पॉइंट पर इनपुट पर दे सकते हैं। जैसे 95 आपने इनपुट यूज किया तो 96 आउटपुट यूज करेंगे, अगर 96 इनपुट यूज कर रहे हैं तो 95 से आउट करेंगे। अब इस ओवरलोड रिले के बाद हम एनसी पुश बटन लगाते हैं। जैसे आप देखोगे ये मेरा एनओ पुश बटन है, इसी तरीके से एनसी पुश बटन भी होता है। बस उसके नीचे क्या होता है, जैसे यहां देखेंगे आप एनओ भी कॉन्टैक्ट यूज किया, मैंने एनसीबी, क्योंकि इसको रख रहा हूं मैं तो सही से ये टिक जाए, इसलिए मैंने यहाँ दो कॉन्टैक्ट यूज कर लिए हैं। हालांकि जो मेरा ग्रीन पुश बटन है, यहाँ सिर्फ हम एनओ कॉन्टैक्ट यूज करते हैं। इस एनसी को मैं खोल दूंगा सिर्फ ये दिखाने के लिए कि प्रॉपर रख जाएगा, इसलिए मैंने दिखाया हुआ है। अब जो दोस्तों मेरी सप्लाई है वो मेरा एनसी के आउटपुट से, एनसी से आउट करेंगे और फॉरवर्ड के पुश बटन में लेकर के जाएंगे। मतलब फॉरवर्ड के लिए भी हम ग्रीन पुश बटन यूज करेंगे। जैसे ये ग्रीन था, इसी तरीके से हम यहाँ पर दो ग्रीन, मतलब एक ग्रीन ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हम बंद करने के लिए। तो यहाँ से सप्लाई आउट करके हम फॉरवर्ड के एनओ पर लेकर के जाएंगे, और यहीं से एक तार आउट करके रिवर्स के एनओ के इनपुट पर भी लेकर के जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहां से जो हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड के एनओ पॉइंट हैं, यहां से आउट करके, मतलब दोनों से एक एक वायर आउट करेंगे। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि ये मेरा एनओ पॉइंट है, यहां मैंने मान के चलो तीन पर इनपुट दे दिया, और जो मेरा चार नंबर पॉइंट है आउटपुट, इस चार नंबर पॉइंट से मैं सप्लाई उठा करके मैं लेकर के जाऊंगा मेरे कॉन्टैक्टर में। अब मान के चलता हूं मैं इसको फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर मान लेता हूं, ये मेरा फॉरवर्ड का है, तो ये जो आउटपुट है एनओ का, यहां से सप्लाई आउट करके मैं डायरेक्ट अपने जो मेरा फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है यहां नहीं लगाऊंगा, इससे पहले मैं रिवर्स का एनसी यूज करूंगा। अब ये जो मेरा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, अब आप देखेंगे तो मैं आपको एक एनसी पॉइंट इसके अंदर दिखा देता हूं। नीचे देखेंगे तो आप A1 और A2 के दो पॉइंट होते हैं, साइड में आपको इधर एनओ एनसी के पॉइंट मिल जाते हैं। नीचे वाला देखेंगे तो ये एनसी पॉइंट है, ऊपर वाले ये दो पॉइंट एनओ पॉइंट है। अगर आपके पास ये नहीं होता है, उस कंडीशन में आप ऑक्जिलरी कॉन्टैक्ट यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ऑक्जिलरी कॉन्टैक्टर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ये दोस्तों हो गया ऑक्जिलरी कॉन्टैक्टर, या फिर आप इसको एड एन ब्लॉक भी बोल सकते हैं। इस तरीके से ये इंसर्ट हो जाता है इसके ऊपर। अब इसका एक एनसी पॉइंट यूज कर सकते हो आप। जैसे यहां से आपने सप्लाई उठाई, ये जो हमारा ग्रीन पुश बटन है फॉरवर्ड का, मैंने माना था ये वाला मेरा ग्रीन पुश बटन, इसके चार नंबर से मैंने सप्लाई उठा करके कहाँ देनी है, पहले एनसी पॉइंट में देनी है मेरे दूसरे कॉन्टैक्टर के। अगर मैं इस कॉन्टैक्टर को चालू कर रहा हूं तो ये जो दूसरा कॉन्टैक्टर है इसका एनसी यूज करके और यहां से आउट करके सप्लाई में A1 पर लगाऊंगा, जैसा कि आप इस सर्किट डायग्राम में देख सकते हो। यहां देखोगे कि मैंने रिवर्स का एनसी यूज किया है और फॉरवर्ड के यहां रिवर्स के कॉन्टैक्टर को सप्लाई देने के लिए फॉरवर्ड का एनसी यूज किया है। अगर आप इस कॉन्टैक्टर को चला रहे हैं तो आप इसके साथ इसको इंटरलॉक करेंगे। अगर आप इस कॉन्टैक्टर को चला रहे हैं तो ये गलती से भी ऑन नहीं होना चाहिए। मतलब जहां भी आप दो कॉन्टैक्टर में से सिर्फ एक कॉन्टैक्टर एक बार चलाएंगे वहां आपको इंटरलॉक करना होगा कुछ इस तरीके से एनसी यूज करके। यहां पर मैं आपको एक पैनल वायरिंग और दिखा देता हूं। आप देखेंगे तो यहां मैंने इंडिकेटर भी लगाए हैं। इन सभी डायग्राम को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकल वायरिंग दिखाने से पहले आपको एक गुड न्यूज देता हूं। मैंने एक ई बुक बनाया है जिसका नाम है इलेक्ट्रीशियन गाइड A to Z वायरिंग बुक।
आप चाहते हैं इसको खरीदना तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप प्रॉपर तरीके से पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। इसके अंदर पहले मैं आपको दिखा देता हूं आपको क्या क्या मिलेगा। यहां मैं आपको इंडेक्स दिखा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या इस बुक के अंदर आपको मिलेगा। जैसे ही आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा, वो वहां से जाकर के आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे। ये आपका पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर, और यहाँ से आपको बुक सेलेक्ट करना है कि हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, मेरी ईमेल आईडी मैंने डाली आपको दिखाने के लिए। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर डाला है, ये मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कोई भी आपको हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड। तो नीचे मुझे कोर्स सेलेक्ट करना है, यहाँ मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखेंगे हिंदी सेलेक्ट हो गया। पे नाउ पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जो भी आपके पास ऑप्शन होगा यूपीआई या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट होते ही विद इन सेकेंड आपको एक मेल आ जाएगा जहां आपको ई बुक मिल जाएगा। मैंने पहले ही बताया कि इसका लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप एक टाइम परचेज करेंगे, लाइफ में कभी भी इसके अंदर कोई अपडेट आएगा आपको मिल जाएगा। आप देखेंगे कि यहां से मेरी सप्लाई इस कॉन्टेक्टर पर जारी है जो फॉरवर्ड का है, इधर मेरा रिवर्स का है, नीचे मेरी ओवरलोड रिले और ये मोटर। अगर मैं यहां से फॉरवर्ड वाला ग्रीन पुश बटन दबाता हूं तो आप देखेंगे कि मेरी मोटर सीधी घूमने लगी, मेरी सप्लाई इधर भी जारी है, लेकिन ये कॉन्टेक्टर मेरा बंद है तो यहां से सप्लाई कट हो गई। अब मैं अगर रिवर्स पुश बटन दबाता हूं, जैसे मेरा ये ग्रीन पुश बटन रिवर्स का है, अगर मैं इसको दबाता हूं तो रिवर्स में मोटर नहीं घूमनी चाहिए। इसके लिए यहां पर मैंने इंटरलॉकिंग किया है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। जैसे मैं आपको दबा करके दिखाता हूँ, रिवर्स का मैं कॉन्टेक्टर दबा रहा हूँ लेकिन नहीं चल रहा है मोटर। अगर दोस्तों मुझे रिवर्स में मोटर चलाना है तो पहले मुझे क्या करना होगा, अपनी मोटर को बंद करना होगा। यहाँ से बंद हो गई, अब मेरी मोटर रिवर्स में चलेगी। आप देखेंगे कि मेरी मोटर उल्टी घूमने लगी है। अब मैं अगर फॉरवर्ड का बटन दबाता हूं तो मेरी मोटर नहीं चलेगी क्योंकि मैंने दोनों कॉन्टेक्टर को इंटरलॉक किया है। ये जो मेरे दो कॉन्टेक्टर हैं रिवर्स और फॉरवर्ड के, दोनों कॉन्टेक्टर को हम एक दूसरे के एनसी कॉन्टेक्ट से, मतलब एनसी पॉइंट से इंटरलॉक करते हैं। अगर आप इस पर प्रैक्टिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इधर वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।